नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। जीव विज्ञान से संबंधित क्या है खास, सुनिए निर्मला मैम से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। आई एम डॉक्टर निर्मला गुप्ता। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसे हम विथ डायग्राम्स एंड कॉन्सेप्ट्स और वन लाइन ऑफ फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायो के एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, एज वी ऑल नो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम, इट मींस कि किस तरीके से जो हम फूड जो लेते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और किस प्रोसेस से या किस तरह से हम उस फूड से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हम एजिमिलेट करते हैं और जो सेल्स उसको होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स उसको फर्दर यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमंस का, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है इट इज़ नोन एज द ओरल कैविटी, सेकेंड इज फेरेंस, देन ईसोफेगस, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में भी दो पार्ट्स होते हैं इसके फर्दर, फर्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड इज द लार्ज इंटेस्टाइन। सेकेंड जो होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब जो केमिकल डाइजेशन होता है उसके लिए जो ग्लैंड्स होते हैं, जो कि ग्लैंड्स जो हैं जो डिफरेंट एंजाइम सीक्रीशंस करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो होता है वो बेटर डाइजेशन हो पाता है, तो उनमें कौन कौन से ग्लैंड्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें कि पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर जो हैं ये थ्री पार्ट्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। नेक्स्ट इज द लीवर एंड थर्ड इज द पैंक्रियाज। ओके, तो ये हुआ एक ओवरऑल व्यू कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स और कौन कौन से ग्लैंड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो हम अगर एक ओवरव्यू देखें ह्यूमन का कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हम स्टार्ट करें तो वी स्टार्ट फूड टू बी टेकन फ्रॉम द माउथ। ओके, तो फर्स्ट जो पाथ हो गया दैट इज़ द माउथ, ठीक है, जो कि मेन पार्ट होता है किसका, ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी इज़ ऑल्सो नोन एज द बकल कैविटी। तो हमने माउथ से फूड इंजेस्ट किया, ये जो फूड होता है, ठीक है, इसके बाद इट गोज़ थ्रू फेरेंस। अब फेरेंस जो होता है उसका एज सच डाइजेशन में कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ एक पैसेज वे प्रोवाइड करता है फूड को, ताकि वो माउथ से या ओरल कैविटी से मूव करे कहाँ पे, ईसोफेगस या फूड पाइप की तरफ। ओके, अब जो फेरेंस होता है, ठीक है, हियर इज समवॉट द फेरेंस। ओके, फेरेंस में क्या होता है कि फेरेंस में दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फेरेंस जो होता है, एक तो वो रेस्पिरेशन में, मतलब जो हम ब्रीथ करते हैं एयर, उसके लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं उसके लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। तो फेरेंस में जैसे कि दो पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, वो ईसोफेगस या फूड पाइप में खुलता है, और जो दूसरा पाइप होता है वो क्या करता है, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो जाके क्या होता है, वो ट्राकिया में एंटर करता है। इससे समझ में आता है कि जो फेरेंस है उसमें दो पॉइंट्स हैं, एक जो पॉइंट होता है वो ईसोफेगस में ओपन होता है, और दूसरा जो होता है वो रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए होता है। तो जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो फेरेंस क्या करता है, उसे ट्रैकिया में एंटर या ओपन करता है। ओके, अब फेरेंस से जब हम आते हैं तो इट ओपन्स इनटू ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप, और ईसोफेगस का काम सिर्फ ये होता है कि ईसोफेगस जो है वो एक ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है फूड को फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक। अब ये जो फूड पाइप है इट ओपन्स इनटू स्टमक, दिस इज द स्टमक। ओके, अब स्टमक से क्या होता है कि जो फूड होता है इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो वाला पार्ट है दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस जो होगा वो पूरा कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है। तो यहां से
पूरा का पूरा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड का पार्ट बचा रहता है वो क्या होता है, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन या जो लेफ्ट विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो बचे रहते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद वो क्या होता है, रेक्टम के थ्रू जो होती है उस फूड का इजेशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट ओके कि डाइजेशन कैसे हो रहा है। अब हम थोड़ा सा अगर देखें कि हमने सेकेंड पार्ट जो देखा था, इट इज़ ऑफ द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहला ये हमारा है सलाइवरी ग्लैंड्स, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, अब इसी सलाइवरी ग्लैंड्स में तीन अलग अलग पार्ट हमने देखे थे, एक होता है पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर एंड थर्ड इज सबलिंगुअल। उसके बाद होता है हमारा लीवर, ठीक है, दिस इज द लीवर। ठीक है, लीवर से ही अटैच जो है वो गॉल ब्लैडर होता है, एंड हियर इज समवॉट पैंक्रियाज। ठीक है, तो लीवर जो है वो गॉल ब्लैडर से एकदम अटैच्ड है, क्यों, क्योंकि जो लीवर जो बाइल जो उसे सिक्रीट करता है या जो उसके सिक्रीशंस होते हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। ओके, और लीवर और पैंक्रियास के जो सिक्रीशंस होते हैं, लीवर का जो सिक्रीशन होता है इट इज़ नोन एज द बाइल जूस, एंड पैंक्रियास का जो सिक्रीशन होता है इट इज़ नोन एज द पैंक्रियाटिक जूस। दोनों के ही दोनों जो होते हैं वो एक कॉमन डक्ट में आके इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। तो ये हुआ एक ओवरऑल व्यू। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली कि किस तरीके से फूड स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माउथ। ओके, तो माउथ में जैसा कि एज वी ऑल नो दैट माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज ओरल कैविटी, जिसमें कि हमारा माउथ आता है, एंड इन द माउथ इट कम्स विथ टीथ एंड टंग। ओके, सबसे पहले अगर हम माउथ में जाएं, ओके, तो माउथ में क्या होता है, वी इंजेस्ट फूड। ओके, तो अगर हम माउथ में जाने से पहले अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा ये करें, तो जो पूरा का पूरा डाइजेशन होता है, ठीक है, वो फाइव स्टेप्स में चलता है। ओके, फाइव स्टेप्स में चलता है। सबसे पहला होता है इंजेशन, सेकेंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एजिमिलेशन, एंड फिफ्थ होता है इजेशन। ओके, तो सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, वी इंजेस्ट फूड और वी टेक फूड थ्रू माउथ, वी टेक फूड थ्रू माउथ, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। तो डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही हम फूड इंजेस्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दे सीक्रेट सलाइवा। अब जैसे ही सलाइवा सीक्रेट हुआ उसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, तो दे स्टार्टेड कि जो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लार्जर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, हम उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ें। ठीक है, तो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का सेंस क्यों बनता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में हमें तोड़ना पड़ता है, ताकि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं या जो हमारा ब्लड है वो उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और उन न्यूट्रिएंट्स को वो एक एक इंडिविजुअल सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि फर्दर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या जो एनर्जी है वो सेल्स को प्रोवाइड हो सके। ओके, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ओके, अब ये हुआ डाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जो हमने फूड को अगर डाइजेस्ट किया, ठीक है, वो तब तक किसी काम का नहीं है या उस प्रोसेस की कोई वैल्यू नहीं है जब तक के वो जो न्यूट्रिएंट्स है या जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ब्रेक किया हुआ है वो ब्लड वेसल्स उसे एब्जॉर्ब ना कर लें। क्यों? क्योंकि जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जब तक न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक एक इंडिविजुअल सेल्स तक नहीं पहुँचेगी, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एजिमिलेशन। अब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स ने जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं, अब वो इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि वो जो इंडिविजुअल सेल्स तक हमने पहुंचाए, ब्लड वेसल्स ने पहुंचाया है या ब्लड कैपिलरीज ने इंडिविजुअल सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया है, तो जो सेल्स हैं वो फर्दर नए प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स जो हैं, जो सेल साइटोप्लाज्म में रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए नए मॉलिक्यूल्स बनाएं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एजिमिलेशन। सो एजिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब सेल्स तक पहुंचते हैं और सेल्स जो होते हैं वो नए मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए
विच आर रिक्वायर्ड इन द सेल साइटोप्लाज्म ओके कुछ नए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. नेक्स्ट इज इजेशन. अब इजेशन में क्या होता है कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन तो हो चुका है, ठीक है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब क्या होगा, जो फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो थोड़े बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन बचा रहता है, कुछ वाइटामिन्स का एब्जॉर्प्शन बचा रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो रेक्टम के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फीसेस बॉडी के आउट कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. इट मीन्स पूरा का पूरा जो डाइजेशन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सो दिस इज द होल प्रोसेस. अब सबसे पहले अगर हम इंजेशन को देखें तो हम इंजेशन में जो होता है, इंजेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी. इसलिए अब हम थ्रू ऑर्गन्स या थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला जो है, दिस इज ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में हमने क्या किया, थ्रू माउथ वी इंजेस्टेड फूड. अब ये फूड जो होगा, ठीक है, अब इस फूड में क्या होगा कि इट गोज थ्रू द मैकेनिकल एंड द केमिकल प्रोसेस ओके ऑफ डाइजेशन. तो सबसे पहला अगर हम मैकेनिकल देखें और दूसरा जो है वो हमने देखा था इट इज़ केमिकल प्रोसेस ओके. तो मैकेनिकल प्रोसेस जो होता है इट इज़ सोली अ फिज़िकल प्रोसेस, जिसमें कि क्या होता है, जो फूड हमने इंजेस्ट किया है उस फूड की च्यूइंग होती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा. और ये सलाइवा जो होता है ये आता कहाँ से है, थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है. अब सलाइवा जो होता है वो फूड में मिक्स होता है और हम फूड को च्यू करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज और ऑल्सो नोन एज मेस्टिकेशन. तो हमने क्या किया, फूड इंजेस्ट किया. अब उस फूड के साथ जो होता है, दो प्रोसेस जो होते हैं डाइजेशन के वो कंटिन्यू होते हैं, एक मैकेनिकल, दूसरा जो होता है वो होता है केमिकल. मैकेनिकल जो होता है वो सोली एक फिजिकल प्रोसेस है. और फिजिकल प्रोसेस में होता क्या है कि जो फूड इंजेस्ट किया गया है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, विच इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. और ये जो च्यूइंग का प्रोसेस होता है इसे हम मेस्टिकेशन भी कहते हैं. अब साइड बाय साइड क्या होता है, केमिकल प्रोसेस भी चलता है. तो इस केमिकल प्रोसेस में जो सलाइवा सिक्रीट किया गया है सलाइवरी ग्लैंड से, इट कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ वाटर एंड 1% ऑफ एंजाइम. और ये जो 1% एंजाइम होता है, इसमें दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं ओके. फर्स्ट इज नोन एज द टाइलीन एंड सेकेंड इज नोन एज लाइजोजाइम. सो ये जो टाइलीन होता है, टाइलीन क्या करता है कि जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ओके, तो इस स्टार्च को वो क्या करता है, ब्रेक करता है इनटू डायसैकेराइड्स सच एज माल्टोज ओके. और ये जो लाइजोजाइम है, लाइजोजाइम का फंक्शन क्या होता है कि जो फूड में माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो उन्हें डिस्ट्रॉय करता है. तो लाइजोजाइम का क्या फंक्शन हो गया, इट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड ओके. तो दिस इज द होल प्रोसेस जो कि माउथ में चलता है कि हम भी इंजेस्टेड फूड. अब जो इंजेस्टेड फूड है वो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से चलेगा. मैकेनिकल इज सोली अ फिजिकल प्रोसेस, च्यूइंग होती है, विच इज़ नोन एज मेस्टिकेशन, ताकि जो कॉम्प्लेक्स फूड इनसॉल्युबल फॉर्म में है बॉडी के लिए, हम उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच आर सॉल्युबल, ठीक है, इन अ ब्लड, हम उसमें उसको कन्वर्ट कर सकें, ठीक है. और ताकि इस मेस्टिकेशन के बाद जो एक अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के फूड बॉल्स बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलस, उसका फॉर्मेशन होता है. और केमिकल प्रोसेस में सलाइवा जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ वाटर, 1% ऑफ एंजाइम, जिसमें दो एंजाइम्स होते हैं, टाइलीन लाइजोजाइम. टाइलीन जो होता है स्टार्च जो फूड में प्रेजेंट रहता है उसे डायसैकेराइड्स में ब्रेक करेगा, और लाइजोजाइम जो होता है माइक्रोब्स जो फूड में प्रेजेंट हैं वो उन्हें क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड में सबसे पहला जो मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसका डाइजेशन स्टार्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से जो इंजेस्टेड फूड है वो कैसे हमने उसको इक्वल साइज बॉलस में जो है वो ब्रेक किया ओके. अब जो ओरल कैविटी है उसमें टीथ एंड टंग भी प्रेजेंट है. तो अगर हम थोड़ा सा टीथ और टंग के मॉर्फोलॉजी की तरफ चलें, तो
सबसे पहले अगर हम टीथ देखें, ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि हम कभी कभी कुछ वर्ड्स या क्या बोलें टर्मिनोलॉजी से हम देखते हैं. सबसे पहला जो होता है वो होता है हिट्रोडोंट. कभी कभी हम कहते हैं कि ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो थेकोडोंट होते हैं, और कभी कभी हमने कहा कि ये दे आर डिफ्यूडोंट. ठीक है, तो हिट्रोडोंट हम इसलिए कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं दे आर मेड ऑफ ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स. ओके, फॉर द फोर डिफरेंट टाइप्स का कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर ये अरेंजमेंट है तो यहाँ पे जो फर्स्ट दो टीथ होते हैं दे आर नोन एज इंसीजर्स. उसके बाद जो एक पॉइंटेड वाला टीथ होता है इट इज़ नोन एज कैनाइन. उसके बाद जो दो होते हैं दे आर नोन एज प्रीमोलर्स. और उसके बाद जो तीन जो अटैच्ड होते हैं कंटिन्यूसली दे आर नोन एज मोलर्स. इसलिए हम ह्यूमन जो टीथ होती है सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं हिट्रोडोंट, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स. और इसी बेसिस पे टूथ का फॉर्मूला बनाया गया है 2-1-2-3. टू फॉर कि वो दो इंसीजर्स हैं, एक जो है वो एक कैनाइन है, दो जो हैं वो फिर प्रीमोलर्स हैं और तीन जो हैं वो मोलर्स हैं. नेक्स्ट जो होता है वो थीकोडोंट होता है. थीकोडोंट कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पूरा का पूरा टीथ है वो एम्बेडेड होता है एक स्ट्रॉन्ग सॉकेट ऑफ बोन में. ओके, इसलिए हमने इसे कहा थीकोडोंट. थीकोडोंट मतलब इट इज़ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ बोन. अब डिफ्यूडोंट इसलिए कहा कि जब हम छोटे होते हैं या जो यंग वंस होते हैं उनमें सबसे पहले मिल्क टीथ अपीयर होता है, और जैसे ही जो होता है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है वो जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं और उनका जो प्लेस होता है वो परमानेंट टीथ ले लेते हैं. इसीलिए हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं डिफ्यूडोंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ. एंड नेक्स्ट इज जो होता है वो होता है टंग. अब टंग जो होता है इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टेस्टिंग कि किस तरीके से जो हम फूड ले रहे हैं उसका टेस्ट क्या है. तो अगर हम एक टंग का ये लें तो सबसे पहले जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे टंग पे, तो सबसे पहला जो टेस्ट बड होता है इट इज फॉर स्वीट. ओके, और जो दूसरा होता है इट इज फॉर सॉल्टी. तीसरा जो होता है इट इज फॉर सोर. और जो लास्ट होता है दिस इज फॉर बिटर टेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द टंग कि टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है. तो सबसे पहले अगर हमने कोई फूड खाया तो उस फूड का अगर वो फूड मीठा होगा तो सबसे पहले हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से ये टेस्ट बर्ड्स का जो प्लेसमेंट है टंग पे वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहला जो टेस्ट बर्ड होता है वो स्वीट, दूसरा सॉल्टी, थर्ड सोर एंड लास्ट इज द बिटर. ओके, सो नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो जो हमारा आता है पार्ट दैट इज फेरिंक्स. ओरल कैविटी के बाद नेक्स्ट इज फेरिंक्स. तो जैसा कि मैंने आपको फेरिंक्स में बताया था, फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स जो होता है वो क्या करता है ओरल कैविटी को ज्वाइन करता है. इट जॉइंस ओरल कैविटी टू ईसोफेगस. ठीक है, दूसरा ये होता है कि इट लुब्रिकेट्स द फूड. थर्ड होता है कि इट प्रोवाइड्स द पैसेज वे. सो दीज आर ऑल अबाउट द फेरिंक्स की सबसे पहला इसका जो काम होता है वो ओरल कैविटी को ईसोफेगस से ज्वाइन करता है, वो फूड को लुब्रिकेट करता है. ठीक है, ताकि फूड जो है वो आसानी से जो है वो ओरल कैविटी से ईसोफेगस तक पास हो सके. थर्ड जो होता है कि वो प्रोवाइड कर रहा है पैसेज वे फ्रॉम ओरल कैविटी टू द ईसोफेगस. दिस इज ऑल अबाउट फेरिंक्स. नेक्स्ट इज थर्ड दैट इज ईसोफेगस. ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. सेकेंड जो होता है इट ज्वाइंस oral cavity, or we can say that it provides passage for food to stomach. ठीक है, तो और ये जो movement होता है food का from oral cavity, ठीक है, या esophagus में जो movement हो रहा है food का, this is known as peristaltic movement. अब peristaltic movement का मतलब क्या होता है, for example this is the food pipe. अब जो food है वो mouth में क्या हुआ है saliva के साथ mix होके mastication process के through उसको smaller bolus में हमने change हो जाता है mouth में. तो अब ये जो food है in the form of bolus इसका जो movement होता है वो इस तरीके से क्या हो रहा है downward हो रहा है ताकि वो क्या हो जाके lastly वो क्या हो stomach में reach करे. okay, तो ये जो movement होता है this is known as peristaltic movement. तो peristaltic movement क्या होता है कि यहाँ पे जो epithelial cells present रहते हैं या
या जो सेल्स प्रेजेंट हैं फूड पाइप में, वो क्या होते हैं, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ताकि वो जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो फूड बोलस हैं वो कंटिन्यू जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड वो मूव कर सकें। इट मीन्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इज द सीक्वेंशियल मूवमेंट ऑफ द फूड बोलस थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप सेल्स इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, सो नेक्स्ट ईसोफेगस के बाद अगर हम आते हैं स्टमक में, सो स्टमक से क्या होगा, अब जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है कि स्टमक जो होता है वो अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कार्डियक, नेक्स्ट इज फंडिक एंड पाइलोरिक, मतलब कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, सेकेंड जो होता है कि जो स्टमक है, स्टमक के सेल्स में क्या होगा कि ये जो स्टमक सेल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, एज अ नेम इंडिकेट्स ग्लैंड्स हैं, तो दे विल सिक्रीट समथिंग। ओके, तो दे विल सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये क्या करेगा, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज म्यूकस, HCl प्लस पैप्सिनोजन। ओके, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि म्यूकस जो होता है, ठीक है, इट इज़ अ क्वाइट विस्कस सब्सटेंस विच इज सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सेकेंड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड थर्ड इज पैप्सिनोजन, इट इज़ अ काइंड ऑफ एंजाइम विच इज़ क्वाइट इनएक्टिव। पैप्सिनोजन जो है मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है। होता क्या है कि ये जो HCl है, जैसे ही जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बोलस के फॉर्म में स्टमक में रीच करते हैं, तो होगा क्या कि ये जो म्यूकस है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टमक, ठीक है, अब ये जो म्यूकस है इट प्रोवाइड्स अ सेफ लाइनिंग, ठीक है, ताकि ये HCl के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक के सेल्स को क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ HCl एंड पेप्सिन। ओके, तो ये हुआ बात। ओके, अब डाइजेशन स्टार्ट करना है तो डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए। हमारे पास पैप्सिनोजन है जो कि सीक्रेट किया गया है गैस्ट्रिक ग्लैंड से इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो जो फूड होगा, ठीक है, वो पेप्सिन के प्रेजेंट में, ठीक है, फूड पार्टिकल्स में, और वो भी जो प्रोटीन्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू पेप्टाइड्स। ओके, मतलब सेकेंडली, पहला तो सबसे पहले जो स्टमक में जिस मैक्रोमोलिक्यूल का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकेंडली, फूड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनका डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन, और वो भी जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टेड पेप्टाइड्स में। ओके, फिर आगे फर्दर जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे चल के ये जो पेप्टाइड्स हैं इनसे अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो पेप्सिनोजन था, हमने देखा कि ये जो पेप्सिनोजन है वो तो इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको एक्टिव कौन करता है, इट इज एक्टिवेटेड बाय द रिएक्शन विथ HCl, मतलब HCl के इफेक्ट से ये जो पैप्सिनोजन है ये अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा विच इज नोन एज पैप्सिन, और ये जो पैप्सिनोजन था इट इज द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। ओके, सो ये हुआ पूरा का पूरा स्टमक के बारे में। स्टमक जो होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि हमने देख लिया है, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स का बना है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, म्यूकस, HCl एंड पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का विच इज एक्टिवेटेड बाय HCl। अब ठीक है, अब ये जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको ब्रेक करेगा पेप्टाइड्स में, और ये जो HCl है ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ एनी डाइजेशन प्रोसेस, उस HCl के इफेक्ट से ये जो म्यूकस है, ठीक है, वो क्या करता है, स्टमक सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब हमने देखा कि ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है इसका पीएच बहुत कम होना चाहिए, बिकॉज ये क्या कर रहा है, HCl सीक्रेट कर रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एसिड, तो इसका जो पीएच होता है इट इज क्वाइट लेस, 1.8 to 2.0। ओके, सो नेक्स्ट जो होगा हमारा स्टमक के बाद वो है हमारा इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी हमने देखा कि सबसे पहले जो स्टमक होता है वो ओपन किधर होता है, इट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट वेयर कंप्लीट डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, मतलब कंप्लीट डाइजेशन और मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि जो लीवर और पैंक्रियाज
का जो डक्ट होता है, मतलब बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है, वो क्या होगा, वो एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, और ये जो कॉमन डक्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ओपन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, वो भी ड्यूडेनम में। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजनम एंड लास्ट इज ईलियम। ओके, तो पहला जो सबसे पहला पार्ट हुआ वो ड्यूओडेनम हुआ। तो ड्यूओडेनम में क्या होता है कि जैसे ही जो फूड जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि स्टमक में होता है, जब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, मतलब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड काइम। ओके, अब ये जो काइम है ये आएगा कहाँ, इट विल कम इन टू ड्यूओडेनम। अब ये जो ड्यूओडेनम है यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से डक्ट ओपन हो रहे हैं, सबसे पहला तो बाइल डक्ट और दूसरा जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होगा या कौन कौन से रिएक्शंस होंगे विद द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस सिक्रीटेड थ्रू बाइल डक्ट, मतलब लीवर, एंड सेकेंड इज पैंक्रियाटिक जूस विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम पैंक्रियाज। ओके, तो ड्यूओडेनम में फूड आया इन द फॉर्म ऑफ काइम। ओके, सबसे पहले क्या होगा कि जो काइम होगा इट इज एसिडिक इन एसिडिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि वहाँ पे HCl से रिएक्ट हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा कि ड्यूओडेनम में बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रहे हैं, तो इस काइम से सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो वो होगा बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो अल्कलाइन नेचर में है, ठीक है। अब ये बाइल जूस जो है वो अल्कलाइन नेचर में है, तो वो क्या करेगा, काइम को चेंज करेगा अल्कलाइन नेचर में, ताकि जो पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि पैंक्रियाटिक जूस कंटेन कर रहा है उन एंजाइम्स के लिए एक्ट करना ईजी हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हमने काइम जो कि एसिडिक फॉर्म था उसको हमने अल्कलाइन में चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो होता है कि ये जो बाइल जूसेस हैं, अब थोड़ा सा बाइल जूसेस के अगर हम थोड़ा ना देखें कि ये जो बाइल जूसेस होते हैं दे कंटेन पिगमेंट्स विच आर कॉल्ड बाइलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन। सेकेंडली ये क्या होते हैं, बाइल जूसेस में सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स सोडियम ग्लाइकोलेट। अब क्या होगा कि फर्दर जो डाइजेशन है फैट्स का, ठीक है, वो ईजी हो जाए, तो ये जो बाइल जूसेस में सोडियम ग्लाइकोलेट प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो फैट्स का इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है, जो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं फैट्स के उसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करना, दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इट मीन्स बाइल जूसेस सबसे पहले तो क्या करेंगे, काइम को जो कि एसिडिक फॉर्म में है उसको क्वाइट अल्कलाइन वे में चेंज करेंगे नेचर में। बाइल जूसेस में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बाइलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन। सेकेंड इज सोडियम ग्लाइकोलेट कंटेन करते हैं, ये जो सोडियम ग्लाइकोलेट होता है ये फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन इट मींस जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करना, ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और उनका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज, ठीक है, जो कि फर्दर हम अभी देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट कि बाइल जूसेस जो है वो किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे कि बाइल जूसेस ने अपना काम कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट जो था हमने देखा ड्यूओडेनम में जो था वो पैंक्रियाटिक डक्ट भी ओपन हो रहा है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, इट इज कंटेनिंग द पैंक्रियाटिक जूस। ओके, तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, इट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव, इट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जैसा कि नाम है कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो एज यूजुअल इट विल कंटेनिंग सम मोर एंजाइम्स। ओके, तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस जो है वो तीन तरीके के एंजाइम जो होता है वो सीक्रीट करता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन, सेकेंड जो होता है वो होता है लाइपेज, एंड थर्ड इज एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन करेगा। लाइपेज जो होगा वो फैट और लिपिड्स का डाइजेशन करेगा।
थर्ड जो होगा एमाइलेज जो होगा, जो कि जब कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो डायसेक्राइड्स जो उसमें ब्रेक हुए हैं उनको फर्दर वो मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक करना उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। मतलब जितने भी मैक्रो मोलिक्यूल्स जो कि फूड में प्रेजेंट हैं उनको उनके सिंपलर फॉर्म में चेंज कहाँ पे हो जाएंगे वो, और विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूस और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे मैक्रो मोलिक्यूल्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहाँ पे कि कंप्लीट डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो हमने कंप्लीट डाइजेशन तो देख लिया, अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। तो हमने जैसा कि देखा था कि ये सारा काम तो क्या हो रहा है, ड्यूडेनम और जेजनम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट हमने देखा था इसका जो था वो था ईलियम। अब ईलियम में क्या होता है, ईलियम के सरफेस में इनसाइड सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोविलाई जो होते हैं ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनके मूवमेंट से क्या होता है, जो मैक्सिमम सरफेस एरिया जो होता है एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज हो जाता है थ्रू द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इन द पार्ट ऑफ ईलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये सारा का सारा क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था, ड्यूडेनम, जेजनम और ईलियम में। ड्यूडेनम वो पार्ट होता है जिसमें कि एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये अल्कलाइन सीक्रीशन सीक्रेट करते हैं ताकि जो काइम है जो कि एसिडिक नेचर में है वो अल्कलाइन में चेंज हो सके, और यही काम जो होता है वो बाइल जूसेस भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाइल जूसेस जो हैं वो सोडियम ग्लाइकोलेट कंटेन करते हैं जो कि फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं टू गेट चेंज्ड दैट फैट लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। सेकेंडली हमने देखा कि जो पैंक्रियाटिक जूस हैं वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहलाते हैं बिकॉज दे सीक्रेट थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। मतलब तीनों ही जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के उनको हम उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में या बिल्डिंग ब्लॉक्स में चेंज कर सकें ताकि एजिमिलेशन प्रोसेस में सेल्स उन बिल्डिंग ब्लॉक्स से, फॉर एग्जांपल प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो उन अमीनो एसिड्स को यूज़ करके वो फर्दर कोई दूसरे प्रोटीन्स बना सके जो कि हमारे सेल्स में रिक्वायरमेंट हो। ओके, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होंगे वो मोनोसेक्राइड्स होंगे, फैट्स का जो होगा वो होगा लिपिड्स, ग्लिसरॉल एंड ऑल थिंग्स। ओके, तो ये सारी की सारी बातें हुई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि कंप्लीट डाइजेशन हो गया, इट मींस डाइजेशन हो गया तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया एंड इट गेट एजिमिलेटेड। अब उसके बाद जो हम आएंगे दैट इज द पार्ट विच इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये हम लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ओके वो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोपेल करके कहाँ भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ताकि इस अनडाइजेस्टेड फूड से जो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करें वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए उस अनडाइजेस्टेड फूड को यूज़ करते हैं, सम न्यूट्रिएंट्स या हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट विटामिन्स होते हैं उसमें या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाए, और उसके बाद लास्टली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको इजेशन के लिए सेंड कर दिया जाता है थ्रू रेक्टम। इट मींस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, एजिमिलेशन हो गई उस प्रोसेस की ठीक है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड का पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा उसमें जो वाटर क्वांटिटी होगी उसको वो जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इट मींस वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस जो होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड के पार्ट के साथ आ जाते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर जो लास्टली जो पार्ट बचता है अनडाइजेस्टेड फूड का उसको इजेशन के प्रोसेस के लिए या उस पार्ट को इजेक्ट कर दिया जाता है आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस थ्रू रेक्टम। सो ये पूरा प्रोसेस हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम का। आई होप कि पूरा का पूरा ये जो डाइजेशन है प्रोसेस जो है ह्यूमन बींग्स में ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
थैंक्स अ लॉट। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेट कीजिए, 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉन्च होने वाला है FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें।